A very good evening everyone, my name is Bhavan Sharma and friends, I welcome you to my channel Voodoo Stock Tradings. And guys, in this video, we would be discussing about the stocks for Thursday, that will be 10th of October 2019. Ye wo stocks hain jinko main already scan kar chuka hoon, screen kar chuka hoon on the basis of chart analysis. Theek hai, usse pehle aap usko chart pattern, candle patterns, support resistance, trend lines, okay, news based, sab cheezon ka dhyan rakhna padta hai. एंड आफ्टर दैट वेन यू पुट दैम ऑन टू द चार्ट, वहाँ से आपको पता चलता है कि आपके पास बाइंग और सेलिंग लेवल्स में के साथ साथ स्टॉप लॉस और टारगेट क्या निकल के आएगा. और हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना बड़ा टारगेट ढूंढेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा. इट डज नॉट मीन फोर्सफुली, स्टॉक्स वो पिक कीजिए जिनमें बड़ा टारगेट नजर आए, सो दैट इज गोइंग टू गिव यू गुड प्रॉफिट. और मैं यही करता हूँ, हमेशा वो स्टॉक्स चूज करता हूँ जिसमें टारगेट थोड़ा सा बड़ा दिखता है मुझे एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ देम. Okay, so let's talk about the stocks now. And guys, all these videos are for your educational purpose. तो हमेशा याद रखिए, आप simultaneously अपने analysis भी साथ साथ करते रहिए, क्योंकि वही आपके लिए key to success रहेगा. चलिए, मेरा पहला stock है. अच्छा, एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप जब भी कोई काम करते हैं तो focus कीजिए अपने analysis के ऊपर, charts के ऊपर. जितना चाहे charts को study कीजिए, किसी को पे मत कीजिए टिप्स के लिए, किसी को अपना अकाउंट हैंडल मत करने दीजिए इन अ होप दैट वो इंसान आपके लिए काम करेगा. कोई काम नहीं करता आपके लिए, आपका पैसा आपको खुद देखना है. ठीक है, और लास्ट, कोई भी स्ट्रैटेजी के पीछे मत भागिए. ठीक है, ये स्ट्रैटेजी अच्छा होगा, वो स्ट्रैटेजी अच्छा होगा, एक चीज पकड़िए, उसको बैक टेस्ट कीजिए लो क्वांटिटी के साथ में, और धीरे धीरे उसी के ऊपर अपने आप को परफेक्ट कीजिए. यही होती है सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी. ओके, चलो चलिए, मेरा पहला स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्यों? क्योंकि जब ये अभी न्यूज चल रहा है कि एनबीएफसीज का और ये रेट कट था, उस सब का आज असर हमें देखने को मिला है मार्केट के अंदर. ओके, और लेकिन उसके बाद दूसरा चीज, अगर बैंक निफ्टी या कोई भी बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर्स में अच्छा मूवमेंट दिखता है तो सबसे पहले कौन रिएक्ट करता है? एसबीआई. इसीलिए मैंने कल के लिए एसबीआई पिक किया है. अगर आज का जो मूव है वो होल्ड किया और जितना भी बाइंग आया है, अगर वो अप मूव में चलेगा तो एसबीआई भी आपको साथ में लेके जाएगा. अगर डिप करता है तो भी एसबीआई सबसे पहले डिप करेगा. चलिए देखते हैं उसके लिए एसबीआई को हम कहाँ बाय करेंगे. हम एसबीआई को बाय करेंगे अबाउट 263. Your stop loss will be 260, your target will be 266 and 269 would be the second target. And guys, if you want further analysis, live market ke andar thoda sa support chahiye aapko in videos ke alawa, to aap mujhe join kar sakte hain mere Telegram channel ke upar. Haan, lekin jaise ki aaj hua, aaj din start hua bura, to jahan bhi humne ek call liya, usme niche aaya 2 point, wapis jaake hit kar gaya, to मार्केट का पता नहीं था वॉलेटिलिटी रहेगा. उसके बाद मार्केट रेंज बाउंड किया 1-2, उसके बाद हमने इमिडिएटली एग्जिट किया. और ये हाई वॉलेटिलिटी इंट्राडे के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता. और देखिए, एक टाइम था जब मार्केट में ये हालत था, कैन यू सी दिस वन, कि जब मूवमेंट पूरा सेक्टर डाउन था, इवन बैंक्स वर देयर, फाइनेंशियल सेक्टर्स के अप होने की वजह से ही और प्राइवेट बैंक्स के अप होने की वजह से ही ये इतना बड़ा बुलिश मोमेंट आया है, जिसको इंडसइंड बैंक ने कवर किया और उसके बाद फिर आईसीआईसी, फिर बाकी सब स्टॉक्स में बाइंग आना शुरू हो गया. ठीक है, लेकिन उसके बाद एक सही ट्रेड, ये वाला, आपके सारे प्रॉफिट्स को, सारे लॉसेस को कवर कर देता है. इंफॉर्मेशन और भी देता हूँ कि क्यों आपको वो नहीं करना चाहिए. जैसे हम कॉल लेते हैं, पुट लेते हैं, ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, तो ये ऑप्शंस में ट्रेड, अगर आपको ऐसा चार्ट देखे, मैं 3 मिनट पे चार्ट देख रहा हूँ तो भी इतना बुरा दिख रहा है. अगर आपको चार्ट ऐसा दिखाई दे, कभी मत लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो 1655 का बाय होगा और 12 का सेल होगा, विच का मतलब 4-4 रुपए का डिफरेंस होगा बाइंग और सेलिंग में. तो हमेशा याद रखिएगा कि बाय सेल के डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए व्हेन यू आर टेकिंग अ कॉल और अ पुट इन स्टॉक ऑप्शंस. तो इसलिए ये सब चीजें मैं डिस्कस करता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, और इसका लिंक ये डायरेक्ट लिंक है, अदरवाइज आप मैनुअली जाकर उसको सर्च भी कर सकते हैं.
लेकिन अगर आपको ये लगता है कि मेरे पास कोई ऐसा चीज़ है जो 100% सक्सेसफुल है, तो किसी के पास नहीं है। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि अगर आपने 21 डेज ट्रेड किया है तो कितने ज़्यादा दिन हमें सक्सेसफुल मिलेंगे। हमने देखा है कि 18 to 19 डेज हमारे सक्सेसफुल रहते हैं, बाकी 2-3 दिन हमारे वीक रहते हैं या फिर 1 दिन लॉस में भी रहेगा। तो इतना हमें मान के चलना है, ठीक है। अगर आप SBI को ट्रेड करते हैं, आगे चलिए सेल देखते हैं। अगर SBI के मार्केट नीचे मूव करता है, बिकॉज ग्लोबल मार्केट डाउन है, तो अगर SBI ट्रेड करता है 259 के नीचे, सेल इट विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 262, योर टारगेट विल बी 256 एंड 253 वुड बी द सेकंड टारगेट। उसके बाद भारती इंफ्राटेल, ओके। भारती इंफ्राटेल का भी ये है कि अगर भारती इंफ्राटेल कल फिर मूव करेगा, देखिए एक बड़ा मूव आता है फिर नेक्स्ट कैंडल बनता है, एक मूव आता है नेक्स्ट कैंडल बनता है, एक मूव आता है नेक्स्ट कैंडल बनता है, विच मीन्स जब भी एक बड़ी सी कैंडल बना है उसके बाद नेक्स्ट एक बड़ा मूव दिखाता है इंफ्राटेल। इसीलिए मैंने इंफ्राटेल को पिक किया है कि कल अगर इंफ्राटेल मूवमेंट तो रहेगा नो डाउट बिकॉज ऑफ दिस हाई वॉलेटिलिटी और जो वॉल्यूम्स के साथ में ऊपर जा रहा है, तो वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो हम भारती इंफ्राटेल को बाय करेंगे अबाउट 258, कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 255 बाइट, 261 वुड बी योर फर्स्ट टारगेट, 264 का सेकेंड टारगेट रहेगा। आप जो मैं आपको लिंक्स बता रहा हूँ वो डायरेक्टली आप मेरे वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक्स हैं ऑन टॉप राइट कॉर्नर, वहाँ से भी डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको उसमें मैं आपको दिखाया, तो एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, यहाँ पे देखिए ये लिंक्स रहे, ये लिंक रहा आपका टेलीग्राम का, तो आप voodootrainings.com पे जाके यहाँ से आपने उस लिंक को भी एक्सेस कर सकते हैं, इफ यू डोंट फाइंड इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो इंफ्राटेल को हम सेल करेंगे बिलो 253, स्टॉप लॉस रहेगा 256 का, टारगेट रहेगा 250 और 247 का सेकंड टारगेट। छोटे से प्रॉफिट आज बड़ा नहीं बना, बिकॉज मार्केट वॉलेटाइल था तो बड़ा प्रॉफिट हो नहीं सकता था, लेकिन स्टार्टिंग के जो लॉसेस थे उसके बाद अपराइज ने कवर कर लिया। ऐसा नहीं कि हमें स्टॉप लॉस नहीं हुआ या सिर्फ आप लोगों को, सबको होता है, इट कुड बी एनीबडी, स्टॉप लॉस सबको हिट होते हैं। और वॉलेटाइल मार्केट में स्पेशली जब भी मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहे, इंट्राडे से हट जाइए। इवन आई एक्सेप्ट दैट कि इंट्राडे में आपका कभी भी अच्छा दिन नहीं रहेगा, लेकिन एंड ऑफ द डे मस्ट बी गुड, जो कि हमारा अच्छा रहा ओवरऑल, इट वॉज लाइक अ काम डे, फ्यू लॉसेस फ्यू प्रॉफिट्स। देन नेक्स्ट पिक इज ऑरा फार्मा, जैसे मैंने आपको बताया था न्यूज बेस्ड, इतने बड़े डिस्प्यूट होने के बाद भी इट गेव अ राइज ऑफ अराउंड 4%, ठीक है, आज 4% का राइज देखने को मिला। और बिकॉज ऑफ दैट आई एम पिकिंग वंस अगेन ऑरा फार्मा फॉर टुमारो। हम ऑरा फार्मा को बाय करेंगे अबाउट 478 के, 474 वुड बी द स्टॉप लॉस, टारगेट विल बी 482, 486 का सेकेंड टारगेट रहेगा। एंड गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल बिफोर लिविंग, ताकि आपको ये सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आता रहे और जो भी नई वीडियो अपलोड करूँगा आप उसको देख सकें। देन अगर ऑरा फार्मा ब्रेक करता है 470 को, तो आप उसको सेल कीजिएगा, स्टॉप लॉस 474 का होगा, टारगेट विल बी 466 एंड 462 वुड बी द सेकेंड टारगेट। एंड गाइज यू कैन ज्वाइन माई टेक्निकल एनालिसिस, अगर आपको ये सब कुछ सीखना है, समझना है कि क्या होता है, कैसे आपको ट्रेड करने हैं, कैसे चार्ट्स को रीड करना है, ठीक है, तो यू कैन ऑलवेज ज्वाइन मी ऑन टू माई ऑनलाइन वर्कशॉप्स। अब मैंने उसको थोड़ा सा चेंज किया है, अब ज़्यादा फोकस करते हैं हम चार्ट एनालिसिस के ऊपर, ओके। सो यू कैन ज्वाइन मी एनी डे नाउ, देयर इज नथिंग लाइक न्यू बैच शुरू होगा, अब आप जब चाहें मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फॉर दैट यू कैन कॉल मी एंड व्हाट्सएप मी फॉर टू मोर अबाउट इट ऑन 9711411007 पर। देन वी हैव ग्रासिम, ग्रासिम में सेंचुरी टेक्सटाइल और रेमंड ने तो बहुत अच्छा मूवमेंट दिया, बट ग्रासिम ने वो मूव नहीं पिक किया, ओके। सो दैट इज द रीजन आई पिक ग्रासिम, अगर वो मूव कल सस्टेन रहता है तो ग्रासिम भी एक अच्छा मूवमेंट देगा जो कल हमें देखने को मिलेगा। तो ग्रासिम को बाय करेंगे 675 के ऊपर, 670 वुड बी द फर्स्ट टारगेट, सॉरी 670 वुड बी द स्टॉप लॉस, टारगेट विल बी 683 एंड 690 वुड बी द सेकेंड टारगेट। एंड ग्रासिम इफ स्टार्ट ट्रेडिंग बिलो 665, सेल इट विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 670, 657 का फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड 650 वुड बी द सेकेंड टारगेट। एंड गाइज माई नेक्स्ट वर्कशॉप इज इन पुणे, पुणे के एक बाद मैं बैंगलोर का भी अभी प्लान कर रहा हूँ, बट फॉर नाउ पुणे डेट्स आर नवम्बर 9 एंड 10।
And if you want to join me in Pune, then you can call me or WhatsApp me on 9711-411-007. Okay? And, okay, let's talk about the Nifty now. Nifty ne kya kiya tha aaj subah? Dekhiye, maine kyun aapko usko kaha ki ye Nifty ko agar main 15 minute ke chart pe dekhta hoon, to pehli baat to dekhiye ki jo support line hai, 11061 ke aaspaas trade kar raha hai. To pehle isko check karte hain kya issue hai. 15 मिनट के चार्ट पे देखिएगा ध्यान से. सुबह नीचे गया, इसको हिट किया, फिर ऊपर गया, 60 को हिट किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया. एंड देन आई डिसाइडेड दैट ओके व्हाट एवर इट इज इट इफ द मोमेंट इट विल ब्रेक 11,660 एक बड़ी मूवमेंट आएगी. ओके ये कोई पहले नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसीलिए मैंने कहा था आपसे यहाँ पे कि निफ्टी इज गेटिंग रेडी फॉर बिग मूव. जब भी निफ्टी कंसोलिडेट करेगी तो एक बड़ी सी मूवमेंट निफ्टी में देखने को मिलेगा, सेम इन बैंक निफ्टी. लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए करना ये है कि आपको कंसोलिडेशन किस रेंज में ट्रेड कर रहा है, बस उसका हाई और लो आप फोकस कीजिएगा एंड यू कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर ट्रेडिंग. ओके इसीलिए मैंने निफ्टी को आपके लिए बाय 160 के ऊपर बोला था बिकॉज ऑफ दैट कंसोलिडेशन. और देखिए उसने एज पर द रिट्रेसमेंट 11,300 को क्रॉस करके उसके ऊपर ट्रेड कर लिया है. और अगर अब इसके ऊपर रहेगा तो ये 23% के लिए कोशिश करेगा विच इज अराउंड 450. ओके सो कल देखते हैं निफ्टी अगर ट्रेड करता है 11,350 के ऊपर वी आर गोइंग टू बाइट. स्टॉप लॉस 325, टारगेट विल बी 11,400 एंड 11,425 वुड बी द सेकेंड टारगेट. एंड इफ निफ्टी स्टार्ट ट्रेडिंग बिलो 11,275 बिकॉज बहुत सारे डिफरेंट व्यू आ रहे हैं कि एक जो काफ़ी टाइम से स्टॉक गिर रहा था मार्केट, एक सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है, एक शॉर्ट कवरिंग हुआ है. ये कैसे पता चलेगा, जब निफ्टी 11,400 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा तब पता चलेगा. और उसको डिप नहीं करेगा देन वी गोइंग टू से दैट यस देयर इज अ वंस अगेन बाइंग इन निफ्टी, अदरवाइज इट इज जस्ट अ शॉर्ट कवरिंग. और अगर उसको नीचे डिप करता है 275 के नीचे देन वी कैन टू सेल इट विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 11,300. टारगेट विल बी 11,225 एंड 11,200 विल बी द सेकेंड टारगेट. आज का जो भी मूवमेंट है वो सारा क्रेडिट जाता है बैंक निफ्टी को. ठीक है, बैंक निफ्टी ने काफी अच्छा मूवमेंट लिया 1000 का. अगर आप कल के और आज के लेवल्स को देखेंगे तो मैंने 27 को हटा के 28 कर दिया है, 28 को हटा के 29 कर दिया है, विच मीन्स वी कैन टू बाय बैंक निफ्टी नाउ अबाउट 28,850. कल 27,850 था, टारगेट विल बी 29,100. कल हमारा 28,000 28,100 था और स्टॉप लॉस गोइंग बी 28,800. और अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है 28,650 के नीचे, सेल इट कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 700, keeping your first target as 28,500 and second target will be 28,400. And guys, आपके कोई भी questions होते हैं, I'm happy to answer all of them. और जितने भी questions मेरे पास आते हैं, मैं सबको answer करता हूँ. And if you want your questions to be answered और आपके query है, question है, तो आप comment box में जाके अपने questions को type करके मुझे बता सकते हैं. And for any kind of trading query, you can always call on the number given on the screen. So that's all about it, guys. I'll see you into my next video. Have a nice day.